व्यवस्था पे उसको बढ़ाने की घोषणा भी की जा सकती है, खासतौर पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कई सारे नए मेडिकल कॉलेजेस की इसमें बजट की घोषणा की जा सकती है। और सिर्फ मेडिकल ही नहीं, IITs और IIMs वहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की घोषणा की जा सकती है ताकि नए सीट्स क्रिएट कर सके, और इसके लिए नई जो फैकल्टी का रिक्रूटमेंट है उसको भी किया जा सकता है, इसकी भी घोषणा की जा सकती है। कुल मिलाकर सरकार कई सारे हायर एजुकेशन को लेकर ऐसे कदम उठा सकते हैं जिससे कि ये लगे कि वो छात्रों के साथ है और इस पूरे मामले में वो छात्रों के साथ है। शुक्रिया रोहन इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। तो विनिवेश के मोर्चे पर सरकार ने गो स्लो की पॉलिसी अपनाई है, इसका असर बजट में भी दिख सकता है। सूत्रों के मुताबिक बजट में विनिवेश के मुद्दे पर सरकार खामोशी अख्तियार कर सकती है। पूरी खबर समझते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी बताएं, मार्केट और इकोनॉमी के हिसाब से बड़ी खबर है, क्या कह रहे हैं आपके सूत्र? देखिए, खासतौर से जब से सरकार ने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पॉलिसी यानी विनिवेश की नीति का औपचारिक ऐलान किया है, तब से हर बार बजट में सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी रहती हैं कि विनिवेश को लेकर सरकार की रणनीति क्या है। और अब खासतौर से ये निगाहें और ज़्यादा टिकी रहेंगी क्योंकि अब घटक दलों की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की नहीं है। तो जो मुझे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इस विनिवेश के मोर्चे पर सरकार अब थोड़ा सा ठंडे रुख पर दिखेगी और बजट में इस तरफ शायद कोई ऐलान ना हो। जी हां, विनिवेश के मोर्चे पर कोई ऐलान ना हो, विनिवेश का कोई लक्ष्य भी नहीं दिया जाएगा, इसकी संभावना काफी पूरी है इस बार बजट में। हां, यहां पर सरकार ये जरूर बोलना चाहेगी कि जो भी सरकारी कंपनियां हैं उनको और मजबूत करने पर सरकार ध्यान देगी, वैल्यू अनलॉकिंग पर ध्यान देगी ताकि उनके जो एसेट है उनका बेहतर इस्तेमाल किया जा सके, उनके मैनेजमेंट को और ज्यादा प्रोफेशनल बनाया जा सके। और ये इसका एक रोड मैप सरकार यहां पर पेश कर सकती है सरकारी कंपनियों को मजबूत करने का, और इसकी जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस को दी जा सकती है। तो मुझे लगता है कि इस बार के बजट में विनिवेश को लेकर ऐलान नहीं होगा, सरकारी कंपनियों को मजबूत करने को लेकर ऐलान यहां पर होने की संभावना है। लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ बने रहे, एक और खबर पर आपके पास वापस लौटेंगे। आने वाले बजट में सरकार का बड़ा फोकस ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की भागीदारी बढ़ाने पर हो सकता है। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इसके तहत ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर खास जोर देखने को मिल सकता है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण जी के पास। तो लक्ष्मण जी बताएं, इस ग्लोबल वैल्यू चेन पर फोकस का मतलब क्या समझा जाए? देखिए, मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस बार सरकार बजट में ग्लोबल वैल्यू चेन के ऊपर एक बड़ा ऐलान कर सकती है। ग्लोबल वैल्यू चेन का मतलब ये हुआ कि जो भी सामान बनता है उसके सारे कंपोनेंट जो हैं वो भारत में ही बने, ये सरकार सुनिश्चित करेगी। मिसाल के तौर पर अगर कार बन रही है तो कार का इंजन यहाँ बन रहा है तो चिप चीन में ना बने, दूसरे पार्ट्स दूसरे देश में ना बने, तो ऐसा इसको ग्लोबल वैल्यू चेन कहते हैं। इसमें भारत अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है और इसमें फिलहाल जो है पूरे दुनिया भर में जितना भी कारोबार होता है ग्लोबल वैल्यू चेन का, उसमें 70% कारोबार सिर्फ इसी का होता है। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में ग्लोबल वैल्यू चेन की हिस्सेदारी 70% है और उसमें भारत की हिस्सेदारी मुश्किल से 1.5% है। तो भारत अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाना चाहता है और इसके लिए दो सेक्टर पर खास जोर है जहां पर सबसे ज्यादा क्षमता दिख रही है सरकार को, वह है आपको ऑटो सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। ऑटो सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में ग्लोबल वैल्यू चेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ठोस ऐलान बजट में कर सकती है, जैसे इनोवेशन को बढ़ावा देना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च को बढ़ावा देना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की व्यवस्था को और ज्यादा दुरुस्त करना, बड़े क्लस्टर बनाए जा सके इसके लिए इंसेंटिव देना। तो ये सारे कदम हैं जो ग्लोबल वैल्यू चेन के तहत सरकार उठाना चाहेगी और इस बारे में नीति आयोग ने एक प्रस्ताव तैयार भी कर लिया है और कल जब प्रधानमंत्री अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक कर रहे थे तो वहां भी ये प्रस्ताव आया, इस पर चर्चा हुई है। तो माना जा रहा है कि इस बार के बजट में सरकार इस ग्लोबल वैल्यू चेन के ऊपर एक रोडमैप पेश करते हुए दिखे आप। शुक्रिया लक्ष्मण जी इन दोनों खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से हमारे दर्शकों को यह जानकारी देने के लिए। मोदी सरकार का फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पर लंबे समय से दिखाई दे रहा है, इसी का ही असर है कि अब भारत में सालाना 100 गीगावाट सोलर पावर का उत्पादन हो रहा है और अगले 3 साल में यह उत्पादन डबल होने की भी संभावना है। पीएम सूर्य घर योजना खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है, ऐसे में इस बजट से सोलर इंडस्ट्री की क्या मांग है वो जानने की कोशिश की मेरे सहयोगी केतन जोशी ने। सोलर इंडस्ट्री की बजट विज जानते हैं, बताइए आप वित्त मंत्री से क्या चाहते हैं?
सोलर इंडस्ट्री में जब जीएसटी के पहले वेट था तो वेट 0% था, उसके बाद जब जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया 2070 में तो 5% था, उसको 2021 में 12% किया गया। मेरा ये अनुरोध है कि जीएसटी को वापस 5% किया जाए तो प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है वो जल्दी पूरा होगा। दूसरा, कस्टम ड्यूटी अभी पैनल पे 40%, सोयल पे 25% और बाकी कंपोनेंट पे भी बहुत सारी कस्टम ड्यूटी है, उसको भी रिड्यूस करके रेशनलाइज किया जाए तो इंडस्ट्री एस सच लार्जर स्केल में फायदा होगा। हम पैनल मैन्युफैक्चरर है तो पैनल मैन्युफैक्चर करने में जो भी कंपोनेंट हम यूज करते हैं उसमें सारे मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट पर 18% जीएसटी है, तो उसको 12% या 5% किया जाए। और जो अभी एमएसएमई को जो इंसेंटिव या सब्सिडी मिल रही है फॉर इम्प्लीमेंटिंग सोलर पैनल फैक्ट्री, तो उसमें भी बढ़ावा किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोग मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना जो है उसको जो टेक्निकल ग्लीन चाह रही है, एक मतलब 6 महीने से ये स्कीम शुरू किया है लेकिन उसमें इम्प्लीमेंटेशन में बहुत दिक्कत आ रही है। उसका जो पोर्टल है वो हर 2-3 दिन में वो बंद हो रहा है, वापस शुरू कर रहे हैं, तो ये जो दिक्कत है ये दिक्कत को आपको मिटिगेट करना। जो भी सर्टिफिकेशन चाहिए पैनल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जैसे कि ICBIS, उसकी जो प्रोसीजर है वो थोड़ी सरल की जाए और उसमें जो खर्चा हो रहा है वो कम किया जाए। तो आने वाले दशक है वो सोलार के है, यहां से जो सजेशन दिए गए हैं उस पर अगर वित्त मंत्री अमलवारी करती है तो न केवल इंडस्ट्री को फायदा होगा लेकिन भारत भी आगे अपनी इकोनॉमी में और ग्रोथ कर पाएगा। तो बजट का बिगुल बज गया है, 23 जुलाई को बजट का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में CNBC आवाज लेकर आया है आपके लिए बजट बोनांजा अपेक्स एक्सपर्ट की कुछ ऐसी थीम और शेयर्स जो बजट तक या उसके बाद आपको करा सकते हैं मोटा मुनाफा। तो बजट बोनांजा में आप जानते हैं कि प्रशांत सावंत और पार्थिव शाह को क्या पसंद है। पिछले महीने की शुरुआत में जब हमने इलेक्शंस के पिक लिए थे तब मैंने RCF रेकमेंड किया था फॉर अ टारगेट ऑफ 220। हालांकि उस वक्त एक जो इलेक्शन के दिन नेगेटिव मूव आई तब वो स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए होंगे, बट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो स्टॉक करीबन 165 से 220 तक आ गया। अब ये एक ऐसे लेवल पे है जहां से स्काई इज द अपर लिमिट कहते हैं, तो मैं इसको रेकमेंड करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 190 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस और यहां से जो मेरा टारगेट होगा वो होंगे करीबन 320-325 तक। पोजिशनली ये 350 तक भी जा सकता है, मुझे लग रहा है स्लो मोर होगा बट डेफिनेटली एक्युमुलेट करना चाहिए। फार्म और एग्री सेक्टर पे गवर्नमेंट का डेफिनेटली फोकस रहेगा, मॉनसून सो फार सो गुड, रीजनेबली अच्छे रहे, तो मुझे लग रहा है कि VST डीलर्स एक ऐसी कंपनी है जो अच्छा कर सकती है नॉट ओनली फॉर दिस ईयर बट फॉर ईयर्स टू कम, बिकॉज डीलर सेगमेंट में ऑलमोस्ट 75% मार्केट शेयर है, 5 हॉर्स पावर से लेकर 50 हॉर्स पावर में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। कंपनी जोग्राफिकली भी डिवर्सिफाई करे, US में भी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, हमें अच्छे ये लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड है और उन्होंने पंप सेट्स भी लॉन्च किए विच इज ऑल्सो वेरी गुड प्रॉक्सी बिजनेस। लुब्रिकेंट्स में भी कंपनी ने फोरे किया है, बहुत ही शानदार मैनेजमेंट है और टेक्नोलॉजी सेंट्रिक है और मिस्टुबिशी के साथ उनका टेक्नोलॉजी टाइप है और जिस तरह का गवर्नमेंट का फोकस है तो छोटे फार्मलैंड्स के लिए ये बहुत अच्छा स्टॉक है, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिहाज से VST डीलर्स अच्छा है। आ रहा है मोदी 3.0 का पहला बजट, विकसित और समृद्ध भारत का पूरा हो संकल्प, महंगाई घटे, ग्रोथ बढ़े, रिफॉर्म पर हो जोर क्योंकि ये मार्केट मांगे मोर। इंडस्ट्री को बूस्टर का इंतजार, यूथ का ख्वाब पास फॉर जॉब, इंफ्रा एजुकेशन और हेल्थ पर भी खर्च बढ़ाने की दरकार, देश के ख्वाबों को कैसे पूरा करेगी सरकार। निर्मला सीतारामन का बिग बजट, CNBC आवाज पर अनुभवी पैनल बताएगा इस बजट का आपकी लाइफ पर क्या होगा असर। बड़ी उम्मीदों का बड़ा बजट, देखिए मेरे साथ सपने होंगे सच, सिर्फ CNBC आवाज पर। तो बजट का काउंटडाउन शुरू हो गया है, सिर्फ 11 दिन बचे हैं और उसके बाद मोदी 3.0 का पहला बजट देश के सामने होगा।
तो चलिए अब बात करते हैं बाजार की। बाजार में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। दो दिन की गिरावट के बाद आज बाजार ने शानदार कमबैक किया। टीसीएस के नतीजों ने बाजार में जोश भरा। आज सेंसेक्स निफ्टी की रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 622 पॉइंट चढ़कर 80,519 पर और निफ्टी 186 पॉइंट चढ़कर 24,502 पर बंद हुआ। मिड कैप निफ्टी बैंक में मुनाफा वसूली रही, तो वहीं टीसीएस नतीजों के बाद आईटी शेयरों में शानदार तेजी दिखी। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 4.5% चढ़कर बंद हुआ। आज के बाजार में रियलिटी, ऑटो और पावर शेयरों में दबाव रहा। तो बाजार में लगातार क्यों बनी हुई है तेजी है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस के पहली तिमाही के नतीजे उम्मीद से कहीं बेहतर रहे हैं। इन नतीजों को बाजार ने भी सलामी दी है। आज अक्टूबर 2020 के बाद सबसे बड़ी तेजी आई। मैनेजमेंट ने अपनी कमेंट्री में हालात में सुधार के संकेत दिए हैं। हमने जो Q4 के एंड में कहा था कि वी एक्सपेक्ट FY25 टू बी बेटर देन FY24, हम उस पर वील स्टिल स्टिक टू इट एंड वी बिलीव वो वैसे ही प्ले आउट होना चाहिए। ओवरऑल सेंटिमेंट्स जबकि ज़्यादा चेंज नहीं हुए हैं, जो हम पिछले 6 तिमाहियों से देखते आ रहे हैं, कस्टमर सेंटिमेंट सिमिलर है। ये क्वार्टर का अगर हम देखें तो हमारे सारे ज्योग्राफीज सीक्वेंशली, जो आपने बताया क्वार्टर ऑन क्वार्टर, पॉजिटिवली ग्रो किए है, विच इज अ गुड साइन। एंड सारे वर्टिकल्स एक्सेप्ट वन भी पॉजिटिव हुए सीक्वेंशियल ग्रोथ। हम एक्सपेक्ट करते हैं ये ट्रेजेक्ट्री कंटिन्यू हो, बट टू अर्ली टू कॉल आउट इन टर्म्स ऑफ मोर फ्रॉम अ डिमांड परस्पेक्टिव। आपने जैसे मार्जिन्स का बताया, मार्जिन्स टिपिकली वी टेक द जो वेज इंक्रीमेंट का इम्पैक्ट है हम पहली फर्स्ट क्वार्टर में ही ले लेते हैं, एंड हमने एग्जैक्टली वैसे किया। 170 बेसिस पॉइंट्स इम्पैक्ट था एंड टिपिकली वी क्लॉ बैक एंड मूव अपवर्ड्स इंच अपवर्ड्स। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे FY24 में किया था, मार्जिन यहां से अपवर्ड होने चाहिए। आई थिंक ओवरऑल डील कन्वर्जेंस जो है बेटर हुई है। ओवरऑल कस्टमर सेंटिमेंट्स दोनों में थोड़ा थोड़ा होता है, बट जो प्रोजेक्ट पॉजेस एंड कैंसिलेशन है वो ट्रेंड जो है कंटिन्यू हो रही है, उसमें थोड़ा प्लस माइनस से। सो हमारा जो इम्पैक्ट हो रहा था वॉज मोर ड्यू टू प्रोजेक्ट बींग पुट ऑन होल्ड और कैंसिलेशन, जबकि जो रेवेन्यू नए डील से आ रहे थे वो नॉर्मली कन्वर्ट हो रहे थे। तो आई थिंक बैलेंसिंग आउट हुआ है फ्रॉम दिस क्वार्टर परस्पेक्टिव। ओवरऑल अगर हम देखें तो 170 इज द इम्पैक्ट ड्यू टू वेज इंक्रीमेंट्स, एंड हमारे थर्ड पार्टी एक्सपेंसेस जो है उसका भी हेडविन था, एंड वो ऑफसेट हुआ विथ बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसीज। दैट वाज ड्रिवन बाय बेटर प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूव्ड यूटिलाइजेशन एंड ऑल्सो रिडक्शन इन सब कॉन्ट्रैक्ट। कंपनियों के नतीजों में थोड़ी नरमी दिख सकती है, ये कहना है इकिगाई एसेट मैनेजर के फाउंडर एंड सीआईओ पंकज ठिब्रेवाल का। पंकज ठिब्रेवाल ने निवेशकों को रिटर्न से ज्यादा रिस्क पर फोकस रखने और 6 से 8 महीने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। व्यू और निवेशक का अगर टाइम होराइजन लंबा है तो मार्केट हर समय आपको कुछ ना कुछ ऑफर करने के लिए रहेगा, बट इस समय हमें लगता है कि एज इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स हमें रिस्क मैनेजर ज्यादा फंड मैनेजर कम होना चाहिए, बिकॉज लास्ट 2-3 साल मार्केट बहुत चैरिटेबल रहा है हर निवेशक के लिए, एंड कहीं ना कहीं मुझे ये फील हो रही है कि रिस्क अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है हर पोर्टफोलियो में और वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं बहुत ऊपर आ गए हैं। अगर आज हम देखें तो हमारा मार्केट कैप टू GDP 2007 में जो पीक किया था 150% वहां पर वापस पहुंच गया है, एंड अगर हम फॉरवर्ड बेसिस पर भी देखें स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप्स, तो कई सेक्टर्स में एक बबल जोन, एक फ्रॉथी जोन डेवलप हो गया है और यहाँ
प्रॉब्लम यह है कि गलतियां होने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो इस समय थोड़े से कॉशियस होके नेक्स्ट 12-18 महीना हमें ठीक से नेविगेट करना होगा मार्केट में। और हमें लग रहा है कि जो इस तिमाही के और नेक्स्ट तिमाही के नतीजे आएंगे वो थोड़ा स्लो हो सकता है। जून महीने में टू व्हीलर और थ्री व्हीलर का मार्केट मजबूत हुआ है, ये कहना है सियाम के प्रेसिडेंट विनोद अग्रवाल का। विनोद अग्रवाल ने खास बातचीत की है हमारे संवाददाता रोहन सिंह से। जो इस बार के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, मॉडरेट दिख रहा है पैसेंजर व्हीकल्स में, लेकिन टू व्हीलर्स में अच्छी ग्रोथ दिख रही है। ओवरऑल इस आंकड़े को कैसे आप एनालाइज करते हैं और इसके बेसिस पे हम क्या आउटलुक कर सकते हैं, क्योंकि मॉनसून भी अब अच्छे से आ चुका है, आने वाले समय में क्या फोरकास्ट हो सकता है? देखिए, सबसे पहले इंडस्ट्री जो है क्वार्टर वन की कुछ सेगमेंट्स में मॉडरेट है, कुछ सेगमेंट्स में अच्छी ग्रोथ है, तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि अच्छी क्वार्टर वन अच्छा रहा है इंडस्ट्री के लिए और आने वाले समय में भी अच्छा रहेगा। इसलिए अच्छा रहेगा कि एक तो मॉनसून अच्छा है और एक फेस्टिव सीजन भी आने वाला है, तो ये दोनों फैक्टर्स को देखते हुए और उसके ऊपर हमें ये उम्मीद है कि जो गवर्नमेंट का भी बजट आएगा वो भी ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगा, जिससे इकोनॉमी को और बूस्ट मिलेगी, तो देयरफॉर ओवरऑल इकोनॉमी और अच्छी तरह से ग्रो करेगी और उसके कारण से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है वो भी अच्छी रहेगी। सर, एक्सपोर्ट्स में भी अच्छा हमें सुधार देखने को मिल रहा है, एक्सपोर्ट और कमर्शियल में क्या? देखो, एक्सपोर्ट्स का बहुत बड़ा एक सुधार आया है कि जो पिछले साल तक एक्सपोर्ट्स काफ़ी गिर रहे थे, तो इस साल फर्स्ट क्वार्टर में एक्सपोर्ट्स जो है अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो मेरे को उम्मीद है कि आने वाले समय में भी एक्सपोर्ट्स अच्छा रहेगा। सर, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, यूपी गवर्नमेंट की हाइब्रिड कार को लेकर जो पॉलिसी है, आपके अपने एसोसिएशन में अलग अलग व्यू है, क्या इसको लेकर कोई कंसेंसस है या फिर अभी आप अपने कंपनियों पे छोड़ दिया है? ये कंपनियों के ऊपर है, बिकॉज सब कंसेंसस कंपनियों में नहीं है, तो हम उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं देना चाहेंगे। ऑटो सेक्टर की आपके एसोसिएशन की तरफ से कुछ की डिमांड्स आप बता सकें और क्या उम्मीदें हैं? हमारी उम्मीदें यही है कि एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट आना चाहिए जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर की एलोकेशन जो है वो और ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और रूरल इकोनॉमी के लिए कुछ और इनिशिएटिव्स होने चाहिए जिससे इकोनॉमी और ग्रो करे और उसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए कुछ इंसेंटिव्स होने चाहिए। अदानी पोर्ट्स आज बाजार के फोकस में है। केरल के विजय निजाम पोर्ट में कंपनी ने शुरुआती निवेश किया है। 2028 तक कंपनी के इस पोर्ट पर 20,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना है। इस मौके पर कंपनी के एमडी करण अदानी ने कहा कि ग्राहकों को सस्ता लॉजिस्टिक्स सप्लाई करने पर कंपनी का फोकस रहेगा। करण अदानी से एक्सक्लूसिव बातचीत की मेरे सहयोगी यतिन मोता ने। ये स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी आपने जो केरला में डेवलप की है, इसके बारे में हमको बताइए और कुल मिला के कितना केपेक्स और बचा हुआ है? दिस पोर्ट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पोर्ट, विडिंजम पोर्ट। इट इज कंट्रीज फर्स्ट फुली ऑटोमेटेड टर्मिनल, कंटेनर टर्मिनल, ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एंड ऑल्सो इट इज वन ऑफ द डीपेस्ट पोर्ट इन द कंट्री। आई एम ऑल्सो प्राउड टू से दैट दिस इज, इफ नॉट रॉन्ग, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट advanced, technologically advanced terminal in South Asia. We have used video analytics, we have used AI as well as robotics to do the operation. So from a technology, what India can do, this is a showcase project for not just for us, but I think for the whole country. तो चलिए, फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी से जुड़ी खास कवरेज। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आपको दिखाते हैं अनंत और राधिका की शादी से जुड़ी खूबसूरत तस्वीरें। राधिका मर्चेंट को दुल्हनिया बनाने के लिए अनंत अंबानी की बारात निकल चुकी है। उनकी बारात में मौजूद बाराती जमकर झूमते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें जहां दूल्हा बने अनंत अंबानी मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंच चुके हैं, यहां पर आज विवाह से जुड़ी सभी रस्में पूरी की जाएंगी। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी भी उनके साथ इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं।
अनंत राधिका की शादी में मेहमान आना शुरू हो गए हैं। जैकी श्रॉफ, अनन्या पांडे, जॉन सिन्हा, सारा अली खान, अर्जुन कपूर समेत कई नामचीन सितारे यहां नजर आ रहे हैं। जियो वर्ल्ड सेंटर पर पूरा अंबानी परिवार एक साथ दिखाई दिया। सभी आनंद की शादी को लेकर काफी खुश और उत्साह में नजर आए। इस ग्रैंड शादी में शामिल होने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी कई जानी मानी हस्तियां मुंबई पहुंच चुकी हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सचिन तेंदुलकर, लालू प्रसाद यादव का परिवार, रैपर हनी सिंह और साथ ही साथ ब्रिटेन से यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और दक्षिण कोरिया से सैमसंग कंपनी के चेयरमैन ली जे योंग जैसी शख्सियतें मुंबई पहुंच चुकी हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट अंबानी परिवार के घर एंटीलिया में 7 फेरे लेंगे। शादी के बाकी कार्यक्रम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो वर्ल्ड सेंटर में होंगे।